भारत में अनेक प्राचीन मंदिरें हैं और धार्मिक स्थानों का भारत में पौराणिक इतिहास रहा है। इस देश में आपको अनेकों ऐसे धार्मिक स्थान मिल जाएंगे जो अपने अविश्वसनीय चमत्कारों के लिए देश क्या विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों के चमत्कारों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि चमत्कार को नमस्कार है। दोस्तों बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अपने देश भारत के कुछ ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ में जो घंटी है ना उसे भी दबा देना। धर्म भक्ति अध्यात्म और साधना का देश है भारत। यहाँ अति प्राचीन समय से पूजा स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनमें से कई मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ अद्भुत रूप से चमत्कार होते हैं। आस्थावानों के लिए जहाँ देवी कृपा है, तो अन्य लोगों के लिए यह कुतूहल और महान आश्चर्य का विषय है। आइए जानते हैं भारत के उन विशिष्ट मंदिरों के बारे में जिनका रहस्य वैज्ञानिक प्रगति के बाद आज भी एक रहस्य और एक राज बना हुआ है। नंबर 1, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरु पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेदों और पुराणों में भी मिलती है। कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो चार धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की चार दिशाओं से चार नदियों का उद्गम हुआ है, जो कि क्रमशः ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलज और करनाली है। नंबर 2 पे है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्री तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 3, करनी माता का मंदिर। करनी माता का यह मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर चूहों को कावा कहते हैं और इन्हें बकायदा भोजन भी कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसकर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अब शगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। नंबर 4, शनि सिंगनापुर। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के भी कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं होते। दरवाजों की जगह यदि लगे होते हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं देते हैं। नंबर 5 पे है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। तो ये थे भारत के कुछ बेहद ही रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर। हाँ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए ना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।